भारतीय किसान यूनियन ने अमर पाटन की पुरानी कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। तमाम समस्याओं से जूझ रहे किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों का निराकरण किया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। भारतीय किसान यूनियन ने पुरानी कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन कर धरना प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी भी दी कि उनकी मांगों का निराकरण किया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। भारतीय किसान यूनियन ने कहा, धान व गेहूं उपार्जन की राशि बढ़ाने को लेकर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया था। वह घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज तक पूरी नहीं की गई है। साथ ही किसानों की ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्याएं हैं, जिसकी शिकायत सरकार को वह कई बार कर चुकी है। उन्हें समय पर बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि चुनाव जब अभी विधानसभा के हुए, उसमें जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दोबारा की अभी बनेगी तो हम किसानों को धान का जो MSP रेट है 2100 रुपया देंगे और गेहूं का 2700 देंगे। तो दे नहीं रही, वोट ले लिया लालच में, किसानों ने दे दिया, सरकार बन गई। तो इनको हम याद दिलाने आए हैं कि जो तुमने वादा किया था चुनाव के समय में अपने घोषणा पत्र में, उसको लागू करो। अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन में जो बिंदु वो यदि तहसील स्तर से है तो उनको पूर्णता करने का आपको आश्वासन देता हूँ। उसे मेरे स्तर से जितना हो तो मैं उसे आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।